आज की जो हमारी वीडियो है इट्स रिगार्डिंग डिसाइजिंग और स्कारिंग, ठीक है जी। पहले हमने सिंजिंग किया था, ये प्री ट्रीटमेंट का पार्ट नंबर टू है, डिसाइजिंग और स्कारिंग। अच्छा जी, डिसाइजिंग क्या है? आपको याद है हमने एक काम किया था वीविंग में, ये देखें, साइजिंग किया था। साइजिंग क्या होता है, मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। क्लफ लगाना, किसको? यार्न को, जो वार्क के यार्न होते हैं उनको क्लफ लगाया जाता है, स्टार्च लगाया जाता है, अरारूट लगाया जाता है मजबूत करने के लिए। यार ये पूरा कोर्स है, नज़र आ रहा है ना आपको, ये पूरा कोर्स आप कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। वैसे मैंने ये वाला कोर्स जो है इसके एंड में, वीडियो के एंड में भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, डिसाइजिंग क्या है? साइजिंग का मतलब हुआ धागे पे क्लफ लगाना, डी साइज, क्लफ उतारना, ठीक है। अच्छा, साइजिंग और डिसाइजिंग, जैसे जैसे वर्ड होता है ना अटैच का मतलब जुड़ना, तो जब डी लगा देते हैं डिटैच तो मतलब अलग होना, इसीलिए साइजिंग मतलब क्लफ लगाना, डी साइजिंग मतलब क्लफ उतारना। अच्छा, क्लफ उतारते क्यों है, रीजन क्या है क्लफ उतारने का? दो मिनट के लिए सोचो, जब ये कपड़ा बन जाएगा और कपड़े के अंदर साइजिंग वाला क्लफ लगा हुआ होगा धागों के अंदर, अब ये क्लफ वाला धागा मैं अगर डाइंग में भेज देता हूँ या प्रिंटिंग में भेज देता हूँ, तो जो डाइंग और प्रिंटिंग के कलर इसके अंदर जज्ब होंगे वो धागे और फाइबर में तो जज्ब होंगे, लेकिन उससे पहले जो साइजिंग की कोटिंग हुई हुई है, यानी क्लफ की जो कोटिंग हुई हुई है, उन क्लफ की कोटिंग में जज्ब हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, ऊपर क्लफ की कोटिंग हुई हुई है तो क्लफ की कोटिंग में ये नीले पीले लाल हरे रंग प्रिंटिंग के डाइंग के जज्ब हो जाएंगे। अब जब हम कपड़ा धोएंगे तो क्लफ तो निकलेगा, देख क्लफ तो कोटिंग हुई हुई है, जब कोटिंग तो निकलेगी धुलने में, जैसे ही ये कोटिंग क्लफ की निकलेगी साथ रंग भी निकल जाएगा, तो इसलिए क्लफ पहले उतारना जरूरी है, तो इसको कहते हैं डिसाइजिंग। साइजिंग क्लफ लगाना, डिसाइजिंग क्लफ उतारना। अच्छा, इसको कैसे उतारेंगे क्लफ, आप दो वर्ड सोचो। मैं अगर घर में हूँ और मेरे अगर कुर्ता शलवार में या मेरे शर्ट में क्लफ लगा हुआ हो, मैं कैसे उतारूंगा, स्टार्च को कैसे उतारूंगा? नॉर्मल तरीका क्या है, धोऊंगा उतर जाएगा? नहीं, धोने से कम्प्लीटली क्लफ नहीं उतरता, कभी देखना फिर भी उसमें सख्ती मौजूद होती है। गर्म पानी लूँ, गर्म पानी में डिप करूँ तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो उसका क्लफ है कपड़े का, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डिजोल्व होता जाएगा और पानी के अंदर आ जाएगा, और पानी में हल्का दूधिया वाइटनिंग कलर हल्का हल्का आ जाएगा। ये वाइटनिंग कलर जो है, ये स्टार्च है जो निकल गया है कपड़े में से, गर्म पानी में डाला जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक देसी तरीका बताया है इसका क्लफ निकालने का। अब इसको मशीन में ले जाते हैं, ये देखें मशीन में जब ये जाता है तो मैकेनिकल वे में ये गर्म पानी में जाता है, डिजोल्व होता है, बार बार निकलता है और सारा क्लफ निकल जाता है। अब क्लफ निकल जाता है तो क्या होता है कि कपड़ा जो है अपनी बेसिक रॉ फॉर्म में आ जाता है। अब इसको पेटाइंग करो, प्रिंटिंग करो, अब कोई मसला नहीं है, ये बेसिक डिसाइजिंग है, कलर डिसाइजिंग कुछ नहीं। अब आ जाओ स्कारविंग पे। देखो, ये जो कपास का पौधा होता है ना, कुदरती तौर पर नेचुरल वे में इसके अंदर ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वैक्स होता है, ये इसकी कुदरती चीज़ है। यार आपके कान में वैक्स नहीं होता, ये आपके चेहरे पे ऑयल नहीं आता, कुदरती चीज़ है। अब दो मिनट के लिए सोचो, मेरे चेहरे पे अगर वैक्स होगा या मेरे कान में वैक्स होगा या मेरे चेहरे पे ऑयल होगा या फैट्स होंगे, तो मैं इस पर अगर कोई मेकअप करूँ चेहरे पे, तो मेकअप बैठेगा तो नहीं ना, क्या ख्याल है, जस्ट तो नहीं होगा ना, मेकअप उस पर जमेगा नहीं। तो इसके कपड़े के अंदर में, कपास में और कपड़े में, यानी कपास और कपास पर जो कपड़ा बना, यार्न बना और कपड़ा बना, उसके अंदर जो ऑयल्स फैट्स होते हैं और क्या होता है वैक्सेस होते हैं, उसको निकालना होता है। मेरा ख्याल है वो कास्टिक वास्टिक उसमें, देखो यार टेक्निकल तो मैं हूँ नहीं, मैंने पहले बताया आपको, तजुर्बे की बुनियाद सारी कहानी होती है मेरी, तो उसमें वो कास्टिक एजेंट वगैरह यूज़ करते हैं। वो कास्टिक एजेंट मेरा ख्याल है वही होता है जो डिटर्जेंट में होता है, जो साबुन में होता है, उससे रगड़ रगड़ के ना निकालते हैं उसका। ये बेसिक प्रोसीजर ये देख लें, ये स्कारविंग का प्रोसीजर है, इसमें डाल के निकालते हैं, तो इससे सारे ऑयल्स वैक्सेस और क्या है वो आपके फैट वगैरह निकल जाता है। अब कपड़े पे करो डाइंग प्रिंटिंग, बेहतरीन डाइंग प्रिंटिंग, ये देखो क्या डाइंग है, क्या प्रिंटिंग है, क्या स्मूथनेस है, ये आ जाती है। ठीक है जी, ये हमारा डिसाइजिंग स्कारविंग हो गया। अगला कोर्स इंशाल्लाह मर्सराइजिंग सनफ्राइजिंग, उसके बाद फिर ये ब्लीचिंग वगैरह करेंगे, ब्लीचिंग, हाफ ब्लीचिंग, फुल ब्लीचिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग, पर आखिर में इसके बेनिफिट्स वगैरह करेंगे, 4-5 मिनट निपटा देंगे। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, अपने दोस्तों में शेयर करें, लोगों में शेयर करें, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे मशहूर करो भाई, क्या ख्याल है, आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर।